हेलो दोस्तों, तो देखते हैं कि नेचुरल गैस में आज अभी लाइव मार्केट में सेकंड सेशन में कैसे काम करना है। फर्स्ट सेशन का हमारा लेवल क्या था वो भी मैं बताऊंगा, और कल हमने जो ट्रेड किया था उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैसे हुआ वो भी देखते हैं। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं पहले क्या हुआ। ठीक है, तो पहले कल का प्रॉफिट मैं आपको शेयर कर दूंगा कि हमारा क्या हुआ था, किस हिसाब से हम मार्केट में काम किया था। तो कल जब हमने मार्केट में ट्रेड किया रहेगा, कल का जो एनजी का हमारा ट्रेड था इसमें 28,375 समथिंग हमने ये प्रॉफिट कमाया हुआ है। यहाँ पे एक दिन का इंट्राडे ट्रेड था, इसके लिए रिस्क बहुत छोटा था, ओके, बहुत स्मॉल क्वांटिटी, मतलब 1 रुपये, मतलब 1200-1500 रुपये का रिस्क था, और ये बहुत ह्यूज मार्केट में हुआ। तो आपको यहाँ पे ये मैं बता रहा हूँ, जिससे आपने देखा होगा स्विंग फंडर का ये मैजिक है कि 20,000 रुपीज़, 50,000 रुपये एक 1.5 घंटे, मतलब मूवमेंट बहुत जल्दी आया इसमें। ओके, ये सब कुछ आपको, ये जो मैंने क्लाइंट की, ये जो क्लाइंट हमारी बात कर रहे थे, ये हर बंदा कमा सकता है। ठीक है, ये हर बंदा कमा सकता है, इसमें ये प्रॉफिट आएगा। ओके, तो ये ट्रेड क्लाइंट का ही रहता है, आप ट्रेड करेंगे तो आप पैसा कमाएंगे हमेशा, ये समझना है आपको। और ये कोई क्लाइंट है हमारा जिनका लेजर बैलेंस आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे स्टार्टिंग किया था उन्होंने 10,150 समथिंग से, और वो डेट रहेगा शायद यहाँ पे 28 अगस्त, 21 को, 28 को था, 28 को, और जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो आज का बैलेंस जब हम आज बैठ रहे हैं तो लगभग इसका ये अकाउंट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, इस टाइम अब इससे सबसे बढ़ेगा, और आज का जो प्रॉफिट 28,000 रुपीज़ जो कल का हमारा था वो ऐड होना बाकी हो, तो वो ऐड हो जाएगा, तो और देखो किस हिसाब से जाएगा। तो इस हिसाब से ये प्रॉफिट हो बहुत अच्छे से 53,000, ये टोटल नेट ऑन नेट उनके पास हो चुका है, मतलब उनके अकाउंट का बैलेंस अभी 41,000 समथिंग है, और उसके बाद आज का 28,000 ऐड होने वाला था। इस हिसाब से देखो, आप कैलकुलेट कर लो किस हिसाब से होने वाला है। तो ये सब कुछ आपको, हर बंदे को प्रॉफिट आ सकता है, और वही ट्रेड में अभी भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ। कल का परफॉर्मेंस आपको मैं दिखाता हूँ, पहले कि हमने ट्रेड क्या लिया था कल 21 तारीख को, मैंने ट्रेड बताया था सुबह 9 बज के समथिंग को, 150 को जाएगा तो हमें बाइंग करना रहेगा, 147.90 है तो उसके नीचे शॉर्ट चलेगा। सुबह 9 बजे ही बोल दिया था 21 तारीख को, वो जो मैंने वीडियो में कल के लिए भी बात किया होगा तो आपको मैं दिखा देता हूँ कल क्या हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे सुबह 21 तारीख को सुबह 9 बजे की हम यहाँ पे बात करें, 147.90 को हमें शॉर्ट सेल करना है, यहाँ पे आराम से शॉर्ट मिलेगा। कंटिन्यूस मार्केट नीचे आया, 44 समथिंग किया, वापस 49 पॉइंट, मतलब कोई दोपहर को, मतलब सेकंड सेशन को 5 बजे के बाद भी मार्केट में आया तो वापस उन्हें ट्रेड करने को मिला, जो हमारा जिसका मैं रिपोर्ट दिखा रहा था, ये बाद में यहाँ पे गई तो भी उन्होंने ट्रेड किया 149-147 पॉइंट समथिंग, और वहाँ से कंटिन्यूस जोर से मार्केट गिर गया 8 बजे तक, मतलब लगभग 2-2.5 घंटा मार्केट में रुकना था, 132 पॉइंट समथिंग तक आया। तो जहाँ से आपको 148 को आपने शॉर्ट किया रहेगा और 133 आ गया, मतलब लगभग आपको अगर 15 पॉइंट अगर मिल रहा है तो 1 रुपये का 12,500 रुपया होता है, तो 10 पॉइंट भी अगर प्रॉफिट पकड़ेंगे तो 12,500 रुपये सिंगल लॉट पे हो जाएगा, और अगर 15 पॉइंट टोटल प्रॉफिट आप ले पा रहे हो तो कम से कम 17-18,000 रुपये से तो 1 लॉट पे हो जाएगा, 2 लॉट रहेगा तो भी 28,000 रुपीज़ हो जाता है, बहुत। और इसका रिस्क कितना था आपको, अगर रिस्क रिवॉर्ड की अगर बात करेंगे तो 47 समथिंग को अगर बात करें तो 3 रुपये, मतलब 36, मतलब 3,000 पकड़ो, 4,000 का रिस्क था और लगभग उसका रिवॉर्ड हमें मिला कम से कम 30,000 रुपीज़। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहेगा, और मैं ये देखो 135 को कंप्लीट प्रॉफिट बुक किया था, इस हिसाब से था। ये होगा कल का, अभी हम आज की बात करेंगे, जो आज सुबह सुबह मैंने ट्रेड किया नेचुरल गैस में कि 140.40 को जाएगा तो ही बाय करूंगा, और तब तक मैं शॉर्ट सेल करूंगा 137 या तो 137.30 जो भी रहेगा, ये लेवल के नीचे मुझे शॉर्ट सेल करना, ये चीज़ मैंने सुबह ही बता के रखा हुआ है। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे आज जब मार्केट खुला यहाँ पे, तो 137 पॉइंट समथिंग को मुझे शॉर्ट करना है, 137.50 मार्केट ने हाई किया, 37 का अभी मार्केट ने कंटिन्यूस ऊपर नीचे नहीं हुआ है अभी मार्केट ने, ये देखो यहाँ पे आप जब लाइव मार्केट में अभी भी आ रहे हो तो अभी भी आपको शॉर्ट सेल करने का मौका है। 137.70 का मार्केट ने हाई किया हुआ है, हम बाय के लिए क्या बोल रहे हैं कि जब तक मार्केट 140.40 के ऊपर जाता नहीं, ओके, इसके ऊपर जाएगा तो ही बाय करना है, तब तक शॉर्ट सेल करना है। अभी भी मार्केट में आपको शॉर्ट सेल करने का मौका है, अभी भी अपने प्राइस के नज़दीक ही चल रहा है, यहाँ से मार्केट वापस नीचे जाएगा तो वापस 10 रुपये नीचे मिल सकता है, तो इस हिसाब से आपको मिलेगा। ये लेवल में कैसे निकलता हूँ इसके लिए मैंने ये स्विंग फाइंडर टेक्निक डेवलप किया हुआ, ये स्विंग फाइंडर टेक्निक के हिसाब से मार्केट में काम करते हैं, तो ये अगर यूज़ करना है तो मैं आपको उसका भी थोड़ा दिखाता हूँ। जैसे देखो, ये मैंने ये कल का लेवल दिया था, यहाँ पे मैंने कुछ डेट और टाइम दे दिया हुआ है,
ट्रेनिंग में मैं बताऊंगा इनपुट कैसे देना, क्या करना है। देखो यहाँ पे जो लेवल आया हुआ है, ये देखो 137.30 को मैंने शॉर्ट किया, वही प्राइस मैंने दिया हुआ और कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे अभी 140 जो लिखना था राउंड अप करके दिया हुआ है, तो ये टेक एंट्री आपका 140 का जो प्राइस है वो मैंने वहाँ पे एज अ बाय पॉइंट के लिए लगा के रखा, मतलब इसके बाद नीचे रहा जाएगा और 140 या तो उसके ऊपर जाएगा तो ही बाय करूंगा, तब तक बाय करना नहीं। ये आज का लेवल मैंने आपके सामने रखा हुआ है। अभी मार्केट अगर 135.69 के नीचे जाता है तो फिर मैं डाउन फेज करूंगा, लेकिन इसका कंडीशन मैं आपको बोलूंगा कैसे होता है और डिटेल में ट्रेनिंग भी बताऊंगा। इसके नीचे प्लेन कैंडल ने हाई बनना चाहिए, इसके नीचे ये प्राइस के नीचे एक हाई बन मुझे मिलना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा कि उसके हिसाब से मार्केट अगर नीचे जाता है तो आपको वापस डाउन ट्रेंड को भी मिलेगा। अभी जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका हाई कितना था, 136.73 है ओपन और हाई 136.73, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया हूँ और वो लेवल फॉलो कर रहा हूँ। जैसे मुझे इसके भी नीचे भी हाई मिलेगा, इसके मतलब कितना, तो हमारे पास जो लेवल है अभी यहाँ पे 135.69 के नीचे मुझे हाई मिलेगा तो मैं डाउन भेज जाऊंगा, इस हिसाब से ये कंडीशन रहता है। तब तक 139.something है, देखो 139.76 है यहाँ पे, तो 80 पकड़ो, अभी भी 179.70 का हाई कर मार्केट डाउन आ रहा है, तो अभी भी बाय में नहीं है मार्केट, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। एक्चुअल हम ये ऑर्डर प्लेसमेंट का वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो 40 या तो 4140 के ऊपर जाएगा तो ही बाय पकड़ेंगे और 137.73 से डाउन ट्रेंड रहेगा। इस हिसाब से हमें यहाँ पे आज का ट्रेड है, तो जैसे मैंने कल का आपको प्रॉफिट दिखाया है, आपको आज भी वो प्रॉफिट आ सकता है। अभी मैं बोल रहा हूँ अभी भी 5 बजे नहीं है, 5 बजे के बाद लगभग 9 साइड में 3 या तो 4 घंटा आपको सिर्फ मार्केट में रुकना है। आप जॉब करने के बाद भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे कल अभी यहाँ पे देखा वैसे देखते हैं कि यहाँ पे वापस आज भी मिलता है क्या, तो सिर्फ अगर नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर कब जाएगा तो 40.40 के ऊपर जाएगा तो हम ऊपर कर लेंगे, ऊपर बाय कर लेंगे। यहाँ से अगर ऊपर जाने वाला तो फिर बाइंग का ऊपर मिलेगा, सिर्फ क्या होगा कि ये 2 या 2.5 रुपये जो रहेगा वो नुकसान उठाना पड़ेगा, यहाँ से सीधा चलेगा तो फिर नुकसान उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस हिसाब से हमें करना है कि मार्केट कहीं पे भी मूवमेंट कर दो, मूवमेंट होना चाहिए, आपको प्रॉफिट आएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इस हिसाब से ये मैंने लाइव मार्केट में अभी जो मार्केट चल रहा है उसके बेसिस पे आपको मैंने ट्रेड दिया हुआ है, देखते हैं कि अभी क्या होता है मार्केट में। ओके, थैंक यू सो मच। कल का परफॉर्मेंस अगर देखा होगा और इस सबसे अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो आपको मैं बोलता हूँ सिर्फ ये ट्रेनिंग ले लो, विद इन जिस दिन आप ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेके 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है और जो परफॉर्मेंस क्लाइंट का मैंने आपको दिखाया हुआ है, इस हिसाब से ये आपको रिटर्न आएगा। कि स्टार्टिंग इंट्राडे के लिए तो 5 से 10 रुपये लगता है, ये अमाउंट से स्टार्ट किया था आपने, ये अमाउंट से स्टार्ट किया था और अभी कल तक का बैलेंस ये था, उसमें जो कल प्रॉफिट आया 28,000 वो ऐड होना बाकी है, तो लगभग 70,000 से भी ज़्यादा आपका यहाँ पे अकाउंट हो जाएगा। जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये लेजर बैलेंस आपको मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ और ये यहाँ पे जो 28,000 समथिंग जो प्रॉफिट हुआ है ये अभी ऐड होना बाकी था यहाँ पे, तो इस हिसाब से आपको ये पूरा डेमोस्ट्रेशन आपको मिलेगा और ये कॉन्फिडेंस आपको दिलाएगा मार्केट की ये तो ये रियल जो प्रॉफिट बुक हुआ है। और ये आपको ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ ये स्क्रीनशॉट तो शायद आपको बहुत लोग शेयर करेंगे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसका लॉजिक भी आपके सामने रहेगा और ये सब चीज़ आप खुद एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि सपोज अगर यहाँ पे मैंने टेलीग्राम में ये लेवल शेयर किया हुआ है तो आपको वो लेवल फॉलो करके ही ट्रेड करना पड़ेगा, आपको मेरे पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। ये मेरे डीलर को जो मैं मेरा मैसेज भेजता हूँ कि भाई मेरे अकाउंट में जो ट्रेड लेना उसके लिए मैं ये भेज रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल डीलर मैंने जो बैठा है उनके लिए मैंने दिया हुआ है। वैसे आप खुद का काम कर सकते हो, खुद एनालिसिस कर सकते हो, जो लेवल हमने यहाँ पे निकाला हुआ है ये जो लेवल अभी मैंने आप घर पे बैठ के निकालेंगे तो भी आपको यही आएगा, मैंने मेरे ऑफिस में मेरे यहाँ पे घर पे बैठ के अभी जो आपके सामने में निकाला वो भी वही आने वाला, तो उसमें कोई चेंज नहीं। लॉजिक अगर सीखना है मार्केट में, अगर जेन्युइनली पैसा कमाना है तो स्विंग फाइंडर का टेक्निक का आपको एडवांस ट्रेनिंग कोर्स लेना रहेगा। इसके लिए मैं आपको सामने ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर रहा हूँ, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लो, जो भी ट्रेनिंग का बैच रहेगा उसके लिए एनरोल करना है। ये जैसे मैंने नेचुरल गैस का आपको लाइव मार्केट पे ट्रेड दिखाया, वैसे ही आपको और कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जिसमें आपको ट्रेड देखना है, जैसे सपोज कमोडिटी का और भी अगर बात करें तो क्रूड ऑयल हो सकता है, या तो सपोज दैट बेस मेटल में जाएंगे तो निकेल हो सकता है, या तो कॉपर हो सकता है, जिंक एल्यूमिनियम लीड हो सकता है, या तो गोल्ड सिल्वर, जिसमें भी करना है अगर देखना है तो लाइव मार्केट का डेमोन्स्ट्रेशन भी अगर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, अगर वो भी करना है तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का लेवल, अभी कल का तो बहुत अच्छा दिन रहा था, अभी आज का देखते हैं कि आज एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट में किस हिसाब से प्रॉफिट आएगा क्या आएगा। तो हमने ये ट्रेड ले लिया है यहाँ पे, उसका टॉप लॉस भी मैंने बताया, नीचे जब जाएगा तो कैसे प्रॉफिट बुक करना है क्या करना है ट्रेनिंग में आपको डिटेल में समझ में आएगा, वो चीज़ आपके सामने मैंने रखी है। कल बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, लगभग 30,000 से ज़्यादा हमने आज कल कमाया था, आज देखते हैं कितना आता है। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।